ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं आज आप सभी को सिखाने वाला हूं कि आप इस तरीके का एनिमेशन आउटरो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, वीडियो मैंने एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रखा, तो अब यार वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देख लेना, आपको मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल समझा दूंगा। बाकी गाइस, आप सभी को इसमें बस दो ही चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक काइनमास्टर और पिक्सआर्ट। ठीक है, तो गाइस चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को ऐसे इस बैकग्राउंड को ले लेना, ठीक है, तो आपको पिक्सआर्ट मिल जाएगा। तो उसके बाद आप सभी को यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेना है, उसके बाद आप सभी को ये यूट्यूब वाला जो साइज है इसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे डन कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को यहाँ पे जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। तो गाइस, मैं आप सभी को ये वाला PNG मैं आप सभी को दे दूंगा, ठीक है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। तो पहले मैं इस PNG को यहाँ पे सिंपली ओपन कर लूँगा, एंड इसको गाइस मैं सिंपली इस तरीके से फुल स्क्रीन कर दूँगा, ठीक है। तो आप सभी को कुछ इस टाइप से कर देना है, एंड उसके बाद गाइस आप सभी को ऊपर डन वाले ऑप्शन में क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को आगे क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐसे ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को जो भी फेवरेट कलर हो वो आप सभी को ले लेना है। मैं यहाँ पे मैं स्काई ब्लू ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप सभी को जो उनका कलर बेस्ट लगे वो आप ले लेना, ठीक है। उसके बाद आप सबको क्या करना है, आप सबको यहाँ पे कुछ स्टेप ऐसे करके ड्रॉ कर देना है, ठीक है, मतलब कि ग्लोइंग इफेक्ट देना है। तो क्या होगा, इस ग्लोइंग इफेक्ट को देना जरूरी है, क्योंकि इसी से जो है मतलब कि आउटरो का में जो इफेक्ट आएगा इसी से लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो आप सबको ये इफेक्ट देना है, ठीक है। तो ये जो भी आपका फेवरेट कलर हो वो आप ले लेना, बाकी आप आराम से करना। मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर रखा है, देखिए, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको स्क्रीन करके देना है, एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी को इसका स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से एक लेयर बनानी है, ठीक है। तो पहले हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है, तो इस वाले PNG को सेव कर लेना है। फिर उसके बाद आप सभी को इसमें लेयर में जाना है, ठीक है। तो लेयर में जाएंगे, एंड यहाँ से हम एक मिटे लेयर बना लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से कलर चूज करेंगे ब्लैक कलर, ठीक है गाइस। सॉरी गाइस, आप सभी को लेयर से जो है कलर यहाँ से इस वाले ऑप्शन से क्लियर सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हम लेयर में जाएंगे, एंड आप सभी को नीचे जो कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे जाना है, एंड यहाँ से ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप सबको यहाँ पे सिंपली डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना है FX वाले ऑप्शन में, ठीक है, FX वाले ऑप्शन में जाना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फिर दोबारा इसमें FX में जाना है, ठीक है। तो FX वाला जो ऑप्शन है इसमें ही जाना है। एंड उसके बाद आप सभी को एकदम एंड में चले जाना है, ठीक है, एकदम एंड में। एंड आप सभी को यहाँ पे विग्नेट वाला ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसका कलर जो है स्काई ब्लू लेना है, ठीक है। स्काई ब्लू लेने के बाद आप सबको सिंपली यहाँ पे मर्ज करके एकदम डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी इसको भी आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को अब क्या करना है, अब इसको आप सभी को यहाँ पे पहले अंडो कर देना है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे अंडो कर देना है। एंड उसके बाद वापस आप सबको क्रॉप वाले ऑप्शन में जाकर यूट्यूब वाला साइज आप सबको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे डन करते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे लिखना है थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, जो मतलब कि आपको ऊपर लगाना है वो लिखना है, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। या फिर आप चाहो तो अपने चैनल का नाम भी लगा सकते हो, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग लगाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख देना है, बाकी आपकी मर्जी, आप अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हो। बाकी इसके बाद आप सबको यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद जो टेक्स्ट है गाइस यही वाला रखना, ठीक है, सबसे बेस्ट टेक्स्ट यही लग रहा है मेरे को इस वक्त, क्योंकि यार मतलब कि इसमें ना जितना सिंपल होता है उसमें उतना अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहो तो गाइस कोई और टेक्स्ट अगर आप लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूँगा। बाकी यार मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको ये ले लेना चाहिए। बाकी उसके बाद आप सबको डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस इसमें ग्लोइंग इफेक्ट डालना, तो उसके लिए करना आप सबको यहाँ से जाना ड्रॉ टूल में, ठीक है। ड्रॉ टूल में जाएंगे, एंड इसमें हम अगेन यहाँ से हम कलर को सेलेक्ट करेंगे स्काई ब्लू, एंड ऐसे डन कर देंगे। एंड उसके बाद ब्रश को सेलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद हम इसे स्मूथ ब्रश को लेंगे, एंड आप ओपेसिटी और साइज को फुल करके, एंड कुछ इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड उसके बाद गाइस हम यहाँ से लेयर में जाएंगे, एंड उसके बाद हम 3D पर क्लिक करके इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। एंड उसके बाद हम इसको कुछ टाइप से साइज को जो है कुछ इस टाइप से बड़ा कर देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए गाइस आप सबको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप सभी कुछ इस टाइप से बड़ा कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको यहाँ पे क्या करना है, इसको कर देना है यहाँ पे डन, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको उसका ब्लेंडिंग मोड जो है इसको रख देना है यहाँ पे स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन कर देने के बाद आप सबको सिंपली इसको भी सेव कर लेना है यहाँ पे। सेव कर लेने के बाद आप सबको सिंपली यहाँ से बैक चलना है, ठीक है। तो ऐसे हम कट करते हैं एंड डिस्कार्ड कर देते हैं, एंड ऐसे अंडो कर देंगे इसको। एंड उसके बाद गाइस आप सबको अगेन जाना है टेक्स्ट में, ठीक है। तो टेक्स्ट में जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको फिर दोबारा से यहाँ पे मतलब कि आपको टाइप करना है सब्सक्राइब, ठीक है, जो मतलब कि आपके लोगों के नीचे होगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो उसको लिख देना है, एंड यहाँ पे आप सबको जो मतलब कि फ़ॉन्ट है वही रखना है, ठीक है, यही वाला फ़ॉन्ट रखना है। एंड उसके बाद आप सिंपली आप सबको डन कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप सबको अगेन वही करना है, यहाँ से जाना टूल्स में, सॉरी ड्रॉ टूल में। एंड उसके बाद यहाँ से कलर को आपको स्काई ब्लू सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको ब्रश में जाना है, एंड उसका ओपेसिटी साइज सब कुछ यही रखना है। एंड आप एक पेंट करेंगे, एंड लेयर में जाएंगे, एंड उसके बाद हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे कुछ स्टेप से इसको बिल्कुल बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो उसको हम यहाँ से कुछ स्टेप से कर देंगे। एंड जो मतलब गाइस इसका अभी इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो भी स्क्रीन रखना है, तो अभी यहाँ से पहले हम इसको कर लेते हैं, एंड ऐसे कर लेते हैं डन। एंड उसके बाद गाइस ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे, इसको कर देंगे हम स्क्रीन, ओके गाइस। तो यहाँ पे जो है हमारा इसको भी सेव कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा पिक्सल का काम हो चुका है, तो अब हमें जाना लाइट रूम ऐप के अंदर। तो ऐसे हम सिंपली बैक चलेंगे, एंड आ जाएंगे लाइट रूम ऐप में। एंड उसके बाद गाइस हमें यूट्यूब का जो साइज सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस हम यहाँ से जाएंगे मीडिया में, ठीक है। तो मीडिया वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सबको गाइस यहाँ से आपको ये वाली वीडियो को ले लेना है, ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उसके बाद आप सबको इसके टैप करना है, एंड आप सबको कलर फिल्टर में जाना है। उसके बाद आप सबको स्क्रॉल करना है, एंड उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आप सबको यहाँ पे एक ब्लू कलर का ये मिलेगा फिल्टर, तो आप सबको इसको ले लेना है, ठीक है। आप और कोई कलर का फिल्टर भी ले सकते हो, बाकी आपको ब्लू ही लेना चाहिए वैसे तो। उसके बाद आप सबको उसको 10
सेकंड तक के लिए कट कर लेना, ठीक है, ओनली क्योंकि जो आउटर होता है हमारा 10 सेकंड का होता है, तो आपको इसको कट कर लेना है, ठीक है, एंड ऐसे हम कट लगा लेंगे। एंड इसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना है लेयर में, एंड इसके बाद मीडिया में जाना है, एंड इसके बाद मीडिया में जाने के बाद आप सभी को इसको इस वाले पीएनजी को ले लेना है, ठीक है, तो पीएनजी को आपको कुछ इस टाइप से फुल कर देना है, ठीक है, तो इसको हम फुल कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, एंड गाइस इसकी लेयर को पूरी लंबी कर देना है गाइस, ठीक है, जो आपके मतलब जितनी सेकंड वीडियो है, फिर उसके बाद गाइस आपको अगेन जाना है लेयर में, एंड उसके बाद आपको मीडिया में जाकर आप सबको फिर ये वाला पीएनजी लेना है, ठीक है, इसको आपको फुल स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में जाना है इसके, एंड इसको आप चाहो तो स्क्रीन कर सकते हो, लाइटन भी कर सकते हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर लाइटन कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस आप सबको यहाँ पर सिंपली इसको भी पूरा स्क्रीन पर कर देना है, एंड उसको डन कर देना है। उसके बाद दोबारा लेयर में जाना है, फिर मीडिया में जाना है, फिर उसके बाद आप सबको ये वाला पीएनजी लेना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वाला टेक्स्ट पीएनजी जो हमने बनाया था अभी, तो आपको कुछ स्टेप से ऊपर की तरफ रख देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको यहाँ पे क्या करना है, आप सबको यहाँ पर डन कर देना है, एंड इसको भी आपको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है, तो उसके बाद गाइस आपको सब्सक्राइब वाला पीएनजी लेना है, तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद गाइस हम सब्सक्राइब वाला पीएनजी भी ले लेंगे, तो उसको हम कुछ स्टेप से यहाँ पे हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, एंड कुछ स्टेप से हम यहाँ पे अपने लोगों के नीचे लगा रख देंगे, ठीक है, कुछ स्टेप से हम यहाँ पे डन कर देंगे, एंड इसको भी साइज जो फुल कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस आप सबको अब क्या करना है, आप सबको अब जहाँ से मतलब कि गाइस जो मतलब कि हमें जो असली इफेक्ट डालना है, अब उस इफेक्ट की बारी है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम ये वाला एक बार और ले लेते हैं पीएनजी, ठीक है, ताकि यार जो है ना ग्लोइंग इफेक्ट पूरा लगे इसका, ठीक है, तो अब यहाँ पर डन है बिल्कुल। अब उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है वो ग्लोइंग इफेक्ट, वो सॉरी जो एनिमेशन है, अब हमें वो डालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफएक्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, एंड सबसे एंड में हम इस पे ये वाला पीएनजी ले लेंगे। एंड ये आप सभी को ये जो इफेक्ट आप सभी को कैसे लेना वो मैं आप सभी को बताता हूँ, तो पहले इसको हम यहाँ पर फुल कर देंगे, अब आपको डाउनलोड कैसे करना मैं सब कुछ बताऊंगा, तो उसको हम पहले ऐसे कर देंगे। एंड उसके बाद जो है गाइस आप सभी को इसको हम फुल स्क्रीन कर देते हैं पहले, ठीक है, पूरे लेयर में पूरे की फैला देते हैं इसको। एंड उसके बाद आप सभी को इसको डाउनलोड कैसे करना वो बताता हूँ, तो पहले गाइस देखिए वीडियो को चला के दिखाता हूँ मैं आप सभी को, एंड देखिएगा इस कितनी अमेजिंग लग रही है यहाँ पे हमारी आउटडोर, ठीक है, तो अब आप क्या आप सभी को मतलब ये डाउनलोड कैसे करना है, तो आप सभी को मैं बताता हूँ, पहले आप सभी को यहाँ से लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद गाइस आप सबको एफएक्स वाले ऑप्शन में जाना है, सबसे एंड में जाना है, आप सबको ये गेट मोर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपने आपको मोबाइल डाटा को ओपन कर लेना है, मोबाइल डाटा को आप जब ओपन कर लोगे तो आप सभी के सामने भी कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको ये जो ऊपर से थर्ड वाला ऑप्शन थर्ड फोर्थ नंबर पर जो इस वाले ऑप्शन को लेना है, एंड आप सभी सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है, एंड इंस्टॉल होकर आपके उस एफएक्स वाले ऑप्शन में आ जाएगा। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और यार चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक, गुड बाय।